अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रिपरेटरी प्रोसेस की, जिसमें हम वाइंडिंग देख रहे हैं। और वाइंडिंग में अभी हम आगे थे कि वाइंडिंग मशीन के रीजन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड हमने कर लिया, अब हम हैं थर्ड रीजन के ऊपर। थर्ड रीजन को वाइंडिंग रीजन कहते हैं। अब वाइंडिंग रीजन के अंदर दो तरह की ड्राइव होती हैं, ठीक है। एक को स्पिंडल ड्राइव कहते हैं और दूसरे को फ्रिक्शन ड्राइव कहते हैं। स्पिंडल ड्राइव या पैकेज ड्राइव, जिसमें स्पिंडल जो होता है, ये जो है स्पिंडल ड्राइव है, इसमें जो आपका पैकेज है या स्पिंडल है, ये डायरेक्टली मूव करता है। इसको डायरेक्ट मोटर से ड्राइव दी जा रही होती है, ठीक है। जबकि जो दूसरी काइंड है फ्रिक्शन ड्राइव, इसमें आपका जो पैकेज है, ये नीचे जो पैकेज है, ये डायरेक्टली मूव नहीं करता, बल्कि ऊपर, सॉरी, ये ऊपर वाली साइड पैकेज है, बल्कि इसके साथ एक ड्रम अटैच होता है या ड्राइविंग रोलर होता है, जिसको ड्राइव दी जा रही होती है। अब इसको ड्राइव दी जा रही है इस रोलर को, और ये जो पैकेज है फ्रिक्शन के जरिए इसके साथ अटैच है। ये फ्रिक्शन की वजह से पैकेज जो है रोटेट करता है, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्ट ड्राइव भी कहते हैं, और जो स्पिंडल ड्राइव है इसको डायरेक्ट ड्राइव भी कहते हैं। इनडायरेक्ट ड्राइव क्यों दी जाती है? ताकि जो सरफेस स्पीड है इसकी कॉन्स्टेंट रखी जा सके, ठीक है। इनको कॉन्स्टेंट स्पीड वाइंडर्स और वेरिएबल स्पीड वाइंडर्स भी कहा जाता है। अच्छा, जब ये वाला हम यूज करेंगे मेथड, इसमें हमें जो स्पिंडल की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू डायामीटर, जैसे जैसे डायामीटर बढ़ेगा, स्पिंडल की स्पीड को हमें या आरपीएम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसकी सरफेस स्पीड सेम रहे। और सरफेस स्पीड सेम क्यों रखनी है? ताकि इसमें यार्न के ऊपर या पैकेज में टेंशन वेरिएशन ना आए, जबकि इस वाली टाइप में इस तरह का मसला नहीं होता। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। अब इसके बाद क्या है जी, ट्रैवर्सिंग क्या होती है जी? ट्रैवर्स होता है जी मूवमेंट ऑफ यार्न फ्रॉम वन एज टू अदर एज। द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ यार्न व्हेन इट इज लेड ऑन टू द पैकेज इज कॉल्ड ट्रैवर्स, ठीक है। ये डेफिनेशन भी है इसकी दी गई, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ यार्न, ठीक है, पैकेज के ऊपर, उसको ट्रैवर्स कहा जाता है। ये क्यों होता है ट्रैवर्सिंग मैकेनिज्म? ताकि यार्न जो है पैकेज के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। अब दो तरह के ट्रैवर्सिंग मैकेनिज्म होता है। एक तो ट्रैवर्सिंग ग्रूव होती है, उसके जरिए हम ट्रैवर्स देते हैं, जैसे ग्रूव ड्रम हमने देखा है, ठीक है। और दूसरा मैकेनिज्म होता है जी सेपरेट ट्रैवर्सिंग डिवाइस होती है, जिसको रेसिप्रोकेटिंग ट्रैवर्स भी कहा जाता है, ठीक है। इसको एन एक्सटर्नल ड्रिवन गाइड होती है विच कैरीज द यार्न बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पैकेज। ये एक एक्सटर्नल गाइड सी होगी, जिसके जरिए जो जिसको हम अलहदा से मूवमेंट दे रहे होंगे, जिसके जरिए से हम यार्न को पैकेज की सरफेस के ऊपर ट्रैवर्स देंगे। ये ऐसे ही है जैसे आप जो आपकी चक्की होती थी डोर की, उसको आप हाथ के जरिए वाइंड कर रहे हैं और अपने हाथ को बार बार लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, वाइंडिंग के दौरान। तो ये जो एक्सटर्नल आप हैंड मूवमेंट के जरिए से उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, इसको हम रेसिप्रोकेटिंग ट्रैवर्स कह सकते हैं। जिसके बाद ऑटोमेटिक वाइंडिंग मशीन के पार्ट्स बताए गए हैं, ये आपको आइडिया है ऑलरेडी। मैगजीन होता है जिसके अंदर बॉबिंस होती हैं, बैलून ब्रेकर होता है, प्री क्लियरर होता है, टेंशन डिवाइस, वैक्सिंग जहाँ पे यार्न को वैक्स किया जाता है, स्टॉप मोशन, ठीक है जी। उसके बाद स्प्लाइसर, जहाँ पे स्प्लाइस लगाई जाती है, ड्रम है जिसके जरिए से फ्रिक्शन ड्राइव दी जाती है, और
ट्रैवर्स भी दिया जाता है। देन क्रेडल होता है, क्रेडल ऊपर वाला पार्ट होता है जो के पैकेज को ड्रम के साथ कॉन्टेक्ट करवा के रखता है, ठीक है। देन कंट्रोल बटन होते हैं उसमें, ये क्रेडल लगा हुआ है, ठीक है, ये इसको पैकेज को इसके साथ पुश करके रखता है। पैकेज डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी सी डेफिनेशन हम देखेंगे सिर्फ। डेंसिटी ऑफ अ वाइंडिंग पैकेज इज द मेजर ऑफ इट्स हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी, कि जो डेंसिटी है इट इज द मेजर ऑफ हार्डनेस और सॉफ्टनेस। के पैकेज जो है, पैकेज को पकड़े उसको देखें पुश करके, पैकेज कितना हार्ड है या पैकेज कितना सॉफ्ट है, ठीक है। आगे मुख्तलिफ ये रेंजेस दी गई हैं डेंसिटी की, कि कितनी डेंसिटी होनी चाहिए ऑप्टिमम मुख्तलिफ पैकेजेस के लिए। ये हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था इसका। देन फैक्टर्स हैं ऑन विच पैकेज डेंसिटी डिपेंड्स, यार्न टेंशन, डायरेक्ट रिलेशन है, ये हमने देखा था पहले भी कि यार्न की जितनी ज्यादा टेंशन होगी, ठीक है, अगर टेंशन इंक्रीज करे यार्न की तो कौन के ऊपर टेंशन इंक्रीज होगी, और जब कौन के ऊपर यार्न की टेंशन इंक्रीज होगी तो डेंस पैकेज बनेगा, टाइट पैकेज बनेगा। कॉन्टैक्ट प्रेशर, जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट प्रेशर ज्यादा करेंगे, ठीक है, कौन के ऊपर और ड्रम के ऊपर, तो उतना ज्यादा पैकेज टाइट बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन है इसका भी। थर्ड है जी वाइंडिंग स्पीड। वाइंडिंग स्पीड जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा टेंशन के साथ यार्न वाइंड होगा, और उतनी ही ज्यादा हमारे पास ये उसकी पैकेज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसका भी डायरेक्ट रिलेशन है। एंगल ऑफ पॉइंट का इनडायरेक्ट रिलेशन है। एंगल ऑफ पॉइंट का कैसे इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये आपको क्लास में बना के भी दिखाया था, कि एंगल ऑफ पॉइंट जितना ज्यादा होगा, एंगल ऑफ पॉइंट कॉयल का जितना ज्यादा एंगल बनेगा, ठीक है, उतना ही कम उसके ऊपर यार्न आएगा। जितना ज्यादा एंगल ऑफ पॉइंट कम होगा उतना ज्यादा यार्न ज्यादा आएगा और टाइट पैकेज होगा, तो इसलिए एंगल ऑफ पॉइंट का इनडायरेक्ट रिलेशन है, कि एंगल ऑफ पॉइंट ज्यादा होगा तो आपका पैकेज जो है लेस डेंस होगा, एंगल ऑफ पॉइंट कम होगा तो पैकेज जो है डेंस होगा। हायर द एंगल ऑफ पॉइंट लेसर विल बी द पैकेज डेंसिटी, ठीक है। नॉर्मल एंगल ऑफ पॉइंट 25 से 28 डिग्री होते हैं। देन नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स का भी डायरेक्ट रिलेशन है, कि नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा होंगी, मसलन दो हैं, दो से ज्यादा तीन होगी, नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा होने से क्या होता है, जो आपका एंगल ऑफ पॉइंट है वो कम होता जाता है, तो जब एंगल ऑफ पॉइंट कम होगा तो आपकी पैकेज डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया भी गया है, मोर नंबर ऑफ ग्रुप्स हायर विल बी द डेंसिटी ऑफ द पैकेज। तो ये पांच फैक्टर्स थे ये हमने देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी मैकेनिक्स ऑफ वाइंडिंग। इसमें वाइंडिंग रेट है, हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल हम वाइंडिंग रेट होता क्या है वो पढ़ेंगे। वाइंडिंग रेट इज द स्पीड एट विच द यार्न इज वाउंड ऑन टू द पैकेज सरफेस। जिस स्पीड के साथ यार्न को पैकेज की सरफेस के ऊपर वाइंड किया जाता है उसे वाइंडिंग रेट कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यार्न कॉइल एंगल फॉर्म में वाइंड की जा रही होती है, अब इस एंगल फॉर्म में स्पीड को फाइंड करने के लिए हमें दो स्पीड्स और चाहिए होती हैं। एक जो होती है बिल्कुल जो वर्टिकल है, ठीक है, उसको कहते हैं हम सरफेस स्पीड, जिसको VSP कहते हैं। दूसरी जो है हॉरिजेंटल स्पीड होती है, यान की हॉरिजेंटल मूवमेंट, ये ट्रेवर्स की मूवमेंट होती है, इसको हम ट्रेवर्स स्पीड भी कहते हैं। तो जब हम सरफेस स्पीड और ट्रेवर्स स्पीड फाइंड कर लेते हैं, इनका रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है उसको रिजल्टेंट स्पीड कहते हैं, या आप कह लेंगे उसको वाइंडिंग रेट कहेंगे। इन दोनों को फाइंड करने के बाद हम वाइंडिंग रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है VR² इज इक्वल टू VS² प्लस VT². जबकि सरफेस स्पीड जो होती है VS, वो सिंपल पाई डी एन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डी डायमीटर होता है पैकेज का और एन इसके RPM होंगे, और क्योंकि ये हम ड्रम का कर रहे हैं तो डी डायमीटर ऑफ ड्रम आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी एंगल ऑफ पॉइंट। एंगल ऑफ पॉइंट क्या होता है, इस इज द एंगल एट विच यार्न कॉइल इज वाउंड अराउंड द पैकेज। तो जिस एंगल पे यार्न कॉइल को
वाइंड किया जाता है पैकेज के गिर्द, उसको एंगल ऑफ वाइंड कहते हैं। इसमें अब ये थीटा जो है ये एंगल ऑफ वाइंड है, ठीक है जी। जबकि क्वाइल एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ यार्न ले ऑन टू द पैकेज सरफेस, ये डायरेक्शन ऑफ यार्न ले ऑन टू द पैकेज सरफेस, पैकेज सरफेस के साथ ये सरफेस है, सरफेस के साथ जो एंगल है क्वाइल का या यार्न ले का, उसको हम क्वाइल एंगल कहते हैं। जबकि परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल होगा पैकेज सरफेस का जो परपेंडिकुलर है उसको एंगल ऑफ वाइंड कहेंगे। ये लिखा हुआ है रिलेटिव टू वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल है यार्न क्वाइल का उसको हम आपका एंगल ऑफ वाइंड कहेंगे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस या पैकेज सरफेस के साथ जो एंगल है उसको क्वाइल एंगल कहेंगे। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, यार्न ट्रैवर्स आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ वाइंडिंग मशीन। प्रोडक्शन होती है जी अमाउंट ऑफ यार्न वाउंड इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना यार्न वाइंड किया गया है, ठीक है, उसको प्रोडक्शन कहेंगे। अब दो तरह की प्रोडक्शन होती है, कैलकुलेटेड प्रोडक्शन और एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन होती है जिसमें एफिशिएंसी मौजूद होती है, जिसमें हमारे स्टॉपेजेस इंक्लूडेड होती हैं, हमारे वेटिंग टाइम इंक्लूडेड होता है, ये सारी चीजें निकाल के जो हमारी प्रोडक्शन आती है उसको एक्चुअल प्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें डाउन टाइम मौजूद होती है। और जो 100% पे होती है, जिसमें कोई स्टॉपेजेस कोई डाउन टाइम नहीं होता, उसको कैलकुलेटेड प्रोडक्शन कहते हैं। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है जी वाइंडिंग रेट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्यों, क्योंकि वाइंडिंग रेट है यार्ड्स पर मिनट में, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से ज़रब देंगे, सॉरी। देन जितने टाइम के लिए हमने निकालनी है 1 आवर 8 आवर या 24 आवर, उतने टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, टी इज फॉर टाइम। देन एस नंबर ऑफ स्पिंडल्स, जितनी मशीन्स की जितने स्पिंडल्स की आपने प्रोडक्शन निकालनी है उतने से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए एन ई यार्न काउंट से और 840 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका कैलकुलेटेड प्रोडक्शन का फार्मूला आ जाएगा। इसी को अगर आप एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन का फार्मूला आ जाएगा। यूनिट्स आप याद रखिएगा, जो वाइंडिंग रेट है वो यार्ड्स पर मिनट में, जबकि एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड प्रोडक्शन इनटू 100। नेक्स्ट है जी फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्शन डिपेंड्स, ड्रम आरपीएम, जितने ज्यादा ड्रम के आरपीएम होंगे वाइंडिंग की प्रोडक्शन उतनी ज्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। ड्रम डायामीटर, जाहिर सी बात है क्योंकि सरफेस स्पीड में पाई डी एन होता है, जब आरपीएम ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा होगा तब भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो इसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। ट्रेवर स्पीड, ग्रूव्स इन ड्रम, ट्रेवर स्पीड के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी ज्यादा ट्रेवर स्पीड तेज होगी उतना ज्यादा हमारी वाइंडिंग रेट ज्यादा होगा और उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, क्योंकि हम यहाँ पे अगर फार्मूला देखें वाइंडिंग रेट का, ये है सरफेस स्पीड प्लस ट्रेवर स्पीड, या सरफेस स्पीड ज्यादा हो या ट्रेवर स्पीड ज्यादा हो, इवेंचुअली हमारा वाइंडिंग रेट ज्यादा हो जाएगा। जब वाइंडिंग रेट ज्यादा हो जाएगा तो हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन के फार्मूले में वाइंडिंग रेट ऊपर है, टॉप पे है, तो जब वाइंडिंग रेट ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। यार्न काउंट, इसके साथ इनवर्स रिलेशन है, कोर्सर द यार्न काउंट हायर विल बी द प्रोडक्शन, ठीक है, तो जितना मोटा धागा होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, और धागा मोटा कब होता है, जब एनी काउंट जो होता है हमारा कम होता है, एनी काउंट का नंबर ज्यादा होगा तो यार्न काउंट फाइन होगा, इसलिए इसके साथ इनवर्स रिलेशन है। देन है जी यार्न क्वालिटी, यार्न क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी। सप्लाई पैकेज साइज, पैकेज साइज जितना बड़ा रखेंगे उतनी ही प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि कम स्टॉपेजेस होंगी, पैकेजेस को बार बार चेंज नहीं करना होगा। एनवायरमेंटल कंडीशंस जितनी अच्छी होंगी स्टॉपेजेस उतनी कम होंगी, ब्रेकेजेस उतनी कम होंगी और प्रोडक्शन उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। तो ये था जी आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।